हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 10 प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत हम सभी वीडियोज आपको निःशुल्क दे रहे हैं, जिनमें सभी विषयों को कवर किया जा रहा है, बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो आप सारे लोग इन वीडियोज का लाभ उठाते रहे, और साथ ही साथ आपको ये प्रयास करते रहना है कि अगर इन जो है कोर्सेज से संबंधित आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहिए, क्विजेज चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3 महीने का प्रोग्राम जो हमारा है टीम का 499 रुपीज में, इससे जुड़ सकते हैं। आप 3 महीने के लिए 499 में जुड़ेंगे तो आपको जितनी भी हम क्लासेस चलाते हैं दिन में 3 से 4 क्लासेस, उन सभी की नोट्स आपको एक अच्छे पीडीएफ के रूप में संग्रहित करके दे दिया करेंगे, जिससे कि आप जब उसको पढ़ें तो एक बार फिर से पूरी की पूरी क्लास आपकी रिविजन हो सके, ठीक है। इसी में अगर आपको लोअर मेंस का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें एडमिशन लेना है, मतलब एक फुल कोर्स है जिसमें वीडियोज और आपको सारे के सारे जो है सेक्शनल डेली बेसिस पर टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ दे रहे हैं, उनको लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेना है इसमें, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी की है, आप जो है ऐप हमारा डाउनलोड करिए, वहां पर पेपर 1 पेपर 2 पड़ा हुआ है, आप फ्री डेमो आप दे करके देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य इस समय मैं आपको पढ़ा रहा था, हिंदी साहित्य में इतिहास। अब आपने UP SSC के नए पैटर्न को अगर इस पर आधारित कोई परीक्षा दी होगी इस दौरान 19 में, तो वहां पर जो सवाल आपसे पूछा है वो सवाल ये पूछता है कि हिंदी भाषा के योगदान में कौन कौन सी संस्थाएं थी और उन संस्थाओं की स्थापना कौन किसने किया था, ठीक है, किस सन में हुई थी, किसने किया था, ऐसा नहीं पूछता है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। तो आज उन्हीं से संबंधित हम सारी चीजों को चर्चा करेंगे। तो आज का विषय आपका और भी मतलब साहित्य से जुड़ा महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों को देखते हैं, तो बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिएगा। मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं भैया हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां से प्रश्न आते हैं, ऐसी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप साहित्य के छात्र नहीं होंगे, बहुत जो है एकाध लोग साहित्य के छात्र होंगे, तो यह साहित्य का इतिहास आपको बहुत उबाऊ लगेगा, इसलिए वो पढ़िए जहां से भाई प्रश्न आता है और प्रश्नों को हम हल कर ले जाएं, वही चीजें क्या होनी चाहिए एक कॉम्पिटिटर के जो है बेस पर आपके लिए सबसे उचित होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं आपसे जैसे राजभाषा के विकास से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं रही इन पर। तो आज का जो आपका हेडिंग होगा वो होगा कि राजभाषा जो हमारी है उसके विकास से संबंधित कौन कौन सी संस्थाओं का योगदान रहा, उनकी जो है स्थापना कब की गई, किस वर्ष। देखिए एक तो संस्था आपकी सबसे जो है व्यापक तौर पर इसमें प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई, वह संस्था आपकी है केंद्रीय हिंदी समिति। ये पूछा भी है केंद्रीय हिंदी समिति, इस ये नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और भारत सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा यहां पर लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, अब अलग अलग मंत्रालय हिंदी के वो बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो है उस पर काम करते हैं, संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। जैसे आपकी संस्था का नाम क्या है, एक पहला नाम है साहित्य अकादमी नई दिल्ली में जो आपकी है, इसका स्थापना वर्ष है 1954। कार्य क्या है कि साहित्य को बढ़ावा देने वाली यह शीर्षस्थ संस्था है, यह शब्द आपसे क्वेश्चन के बेस पर पूछा है कि साहित्य को बढ़ाने वाली शीर्षस्थ जो है संस्था निम्न में से कौन सी है। तो सबसे उच्च स्थान पर, शीर्ष स्थान पर आपकी साहित्य अकादमी नई दिल्ली है जो 1954 में स्थापित हुई है। दूसरी बात करते हैं, एक आपका आता है NBT, इसका भी योगदान भैया काफी ज्यादा है, नेशनल बुक ट्रस्ट, यहां से किताबें जो है जो पब्लिक होती हैं वो आपने देखा होगा कि यहां से जो है ये एक तरीके से आप मान सकते हो पब्लिकेशन हाउस है, ठीक, ये नई दिल्ली में आपका काम करता है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, 1957 में। ये शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान व साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन करता है और बहुत कम मूल्यों पर जनता को उपलब्ध करवाता है, ठीक, अभी लॉकडाउन रहा तो उसमें भी आपने देखा होगा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो फ्री की गई थी, ठीक है, आप डाउनलोड करके इसकी साइट से उसको पढ़ सकते थे, बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिनको यहां फ्री किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह जो निदेशालय है यह नई दिल्ली में आपका स्थित है, 1960 में स्थापना की गई। अब इसमें क्या काम है, शब्दकोश पर विश्वकोशों व अहिंदी भाषियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का यह प्रकाशन करती है। इसके अलावा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली एक आयोग बना है, नई दिल्ली में स्थापित है 61 में। यह विज्ञान व तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन करता है कि कौन कौन सी शब्दावली विज्ञान में आपकी प्रयुक्त होती है, कौन कौन सी आपकी तकनीक से संबंधित नई शब्दावलियां ईजाद होती हैं, इन सभी का यह जो है प्रकाशन करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका सवाल आया है, राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1965 से 75 के दौरान स्थापना वर्ष इसका रहा है, मतलब कुछ ऐसे फेज चलते रहे जिसमें पूर्ण रूप से ये रहा। केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का ये निर्माण करता है, जितने भी आपके कोई कानून बनते हैं तो कानून इंग्लिश में रहेंगे, उसका हिंदी जो रूपांतरण होता है, ट्रांसलेशन होता है, वह कौन करता है, राजभाषा विधायी आयोग करता है, यह पूछा है भैया। दूसरी बात, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आपका अलग से है, ठीक, अनुवाद ब्यूरो नाम ही दे दिया, 71 में स्थापित है, देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था आपकी यह है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। राजभाषा विभाग अलग से है, राजभाषा विभाग 75 में स्थापित है, इसका कार्य क्या होता है, या भैया संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजन के हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों को देखता है। अब कानून मंत्रालय के अंतर्गत कुछ संस्थाएं कार्य करती हैं हिंदी के प्रचार प्रसार को, इसमें आपका फिर से वही नाम आता है, राजभाषा विधायी आयोग 75। पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन था, प्रमुख कानूनों के हिंदी पाठ का निर्माण करना, अब यह किसके अंतर्गत है, कानून मंत्रालय यानी विधि मंत्रालय के अंतर्गत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले पब्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है, प्रकाशन विभाग है, 1944 में यह स्थापित हुआ था। दूसरा आपका क्या आता है, फिल्म विभाग, ठीक है, फिल्म डिवीजन पूछा है 1948 में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के टर्म में जब मैं उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सबको बताऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन और फिल्म उद्योग इन सबसे संबंधित सवाल होते हैं। अगली चीज, पत्र सूचना कार्यालय अपने यहां है, PIB नई दिल्ली में स्थापित है, 1956 में इसकी स्थापना की गई है। आकाशवाणी तो सारे लोग सुने होंगे, दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये जो है 1957 में इसकी स्थापना हुई है, और दूरदर्शन 1976 में, ठीक है। तो इन संस्थाओं से भैया सीधा सीधा सवाल पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप 19 वाले पेपर को उठाइए, जब हिंदी आप एनालिसिस करेंगे प्रश्नों के स्तर को, तो वहां आपको मिलेगा कि हाँ इससे संबंधित सवाल पूछता है। अब हम बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विभेद तथ्य हैं, इन तथ्यों से सवाल पूछता है और इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, एक नारा चलता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी जो है हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है, यह सवाल आया हुआ है, ये सवाल पूछा जा चुका है SSSC के द्वारा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ, बोलने वहां के लोग बोलते क्या बंगाली, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी बने इसका विचार सबसे पहले बंगाल से आया। कांग्रेस का एक फैजपुर का आपका अधिवेशन था 36 वाला 1936 का, और हरिपुर का अधिवेशन 1938 वाला, इसमें कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता फैजपुर की तो आपके डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और जो आपका हरिपुरा का रहा ये जमलालाल बजाज ने की थी। यहां पर जो है ये किससे संबंधित, राष्ट्रभाषा सम्मेलन इसमें जो है तरजीह दी गई, इसी पर पूरी परिचर्चा की गई थी। ये एक तरीके से जब कांग्रेस का अपना अधिवेशन रहा तो उसमें राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी आयोजित किया गया, ठीक है, 36 और 38 ध्यान रखिएगा। यह सवाल भैया आया है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, गोपाल स्वामी आयंगर ने, इसको गलत मत करना, गोपाल स्वामी आयंगर ने यह प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था कि हिंदी को क्या किया जाए, राजभाषा बनाया जाए, और इस प्रस्ताव का समर्थन शंकर देव राय ने किया था, शंकर राव देव ने किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूछा है सवाल कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वो थे आपके गोपाल स्वामी आयंगर जी। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट तथा हिंदी को 78 वोट मिले। हिंदी और हिंदुस्तानी में फर्क है, हिंदी का अर्थ चला जाता है खड़ी बोली को लेकर के, जिसमें हम आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक, और हिंदुस्तानी आपकी जिसमें
बहुत सारे अलग अलग शब्द भी जो है मिले रहते थे, यानी ऐसा मान सकते हो कि हिंदी में ग्रामीणपना भी झलकने का कार्य, जैसे ही रचनाएं पहले चलती थी वो हिंदुस्तानी का टर्म हो गया, ठीक, मतलब आम जनमानस की जो भाषा थी। आगे बढ़ते हैं, आजादी के पूर्व अगर देखा जाए हिंदी का समर्थन करने वाले व आजादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले जो व्यक्तित्व थे उनमें सी राजगोपालाचारी का नाम है। पहले ये हिंदी का समर्थन कर रहे थे और जब आजादी मिल गई उसके बाद हिंदी का ये विरोध करना प्रारंभ कर दिए। दूसरे आपके सुनीत कुमार चटर्जी हैं, हुमायूं कबीर हैं, अनंत सैनम अयंगर हैं, ये लोग पहले हिंदी के क्या थे, एक तरीके से हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ये सारे लोग प्रयासरत थे कि भाई हिंदी को राजभाषा बनाइए। जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद ये इसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाए। अब बात क्या आती है, एक शब्द यहां पर और आता है, एक लाइन आती है सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी ने क्या बोला था कि मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूं, मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूं जो वस्तु स्थित, मतलब एक तरीके से समय की मांग कह सकते हैं, को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं, थोपने की बात सोचते हैं, इस कारण ये हिंदी के विरोध में उतरे थे। ठीक है, ये व्यक्तिगत उस भाषा से विरोधी नहीं थे कभी भी, लेकिन जो लोगों की सोच थी, कुछ लोग जबरदस्ती लादना चाहते हैं ना, नहीं अब सारे लोग हिंदी ही सीखेंगे, तो इस चीज को ये कर रहे थे कि भाई जब आम जनमानस जो जिस भाषा में बोल रहा आप अचानक से भाषा परिवर्तित करोगे तो उसके लिए तो वह कष्टकारी होगा ना। ठीक, जिनके पास मान लो अब दक्षिण भारत वाला कोई व्यक्ति अब जबरदस्ती हिंदी पकड़ा दो नहीं पढ़ो तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उस चीज में कोई चीज होगी तो बहुत आसानी से वो समझ पाएगा। आगे यही चीजें राम रही, जैसे जो मैंने बताया कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतना ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। सही बात है भाई, अगर मैंने बताया कि दक्षिण भारत वाले को हिंदी दे दो तो उसके लिए तो वो लगेगी कोई विदेशी भाषा मिल गई। ठीक, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए अंग्रेजी विदेशी लगती है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, हिंदी का जो है विरोध करना प्रारंभ किया था। उसी में ईवीआर पेरियार या इरोड वेंकट स्वामी पेरियार का नाम जुड़ जाता है। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह पूरे दक्षिण भारत को भूल जाता है। जाहिर सी बात है, लोग कह रहे थे हिंदुस्तान है हिंदू यहां रहते तो भाषा हिंदी होगी। अरे भैया ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा जो है, यहां हिंदू रहते तो भाषा हिंदी होगी। दक्षिण भारत वालों का भी तो हमें ख्याल रखना होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम आर्यावर्त वाले हर एक चीजें यही जानते तो दक्षिणावर्त को भूल जाए। इसी वजह से हिंदी का विरोध प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, अगली हेडिंग आपकी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका टर्म है हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 17 बोलियां लगभग हैं और आपकी 5 उपभाषाएं हिंदी में मानी जाती हैं। अब देखिए सबसे पहला जो इसमें क्षेत्र विभाजन चलता है, पूरे के पूरे अगर भारत को हम लोग डिवाइड करें इसमें, ठीक, पूरा का पूरा जब आप भारत का डिवीजन इसमें करोगे, ठीक है, जैसा भी मैप है, तो उसमें ये चीजें आपकी क्या होती है, बदलती हुई चली जाती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा भी बन गया है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ हिंदी इसमें जो बेल्ट एक आता है, हिंदी पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर के, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो पूरी चीजें चलती हैं, ठीक है, हरियाणा से लेकर के पूर्व में पूंडिया यानी बिहार तक ये हिंदी बेल्ट कहा जाता है। कहां से, हरियाणा यानी हरियाणा में अंबाला, खासकर अंबाला से लेकर के बिहार में पूंडिया तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ यानी उत्तराखंड से लेकर के दक्षिण में खंडवा यानी मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। ये हिंदी का अपना बेल्ट है। ऊपर की ओर बढ़ोगे तो ऊपर की ओर कहां से कहां तक हिंदी जो है, ऊपर की ओर जब आप जाओगे तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ से आप शुरू करिए और नीचे दक्षिण तक आइए तो मध्य प्रदेश पर रुक जाइए, मध्य प्रदेश के खंडवा पर, ठीक, और पश्चिम में जब आप बढ़ोगे तो पश्चिम में चले जाओ हरियाणा का कौन सा, अंबाला जिला, और उसके बाद जब आप पूर्व में जाओगे तो बिहार के पूर्णिया तक रुक जाओ, उसके बाद बिहारी मिलने लगेगी। ठीक, इतने तक ये पूरा जो बेल्ट है आपका ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है, या हिंदी बेल्ट या हिंदी पट्टी, बहुत अलग अलग नाम है उनके, ठीक, ये बोलते हैं इसको। तो समझ गए, अगर आपसे पूछता है कि हिंदी पट्टी कहां से कहां के क्षेत्र को बोलते हैं या हिंदी पट्टी का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्या है, तब आप बताएंगे कि पूर्व में आप बिहार के पूर्णिया तक जाएंगे
और पश्चिम में अंबाला के आप जो है हरियाणा के अंबाला तक हिंदी का जो है पूर्व से पश्चिम विस्तार पाया जाता है। अब पूछ ले उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में आप बद्रीनाथ केदारनाथ यानी उत्तराखंड, और नीचे जब आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले पर आप रुक जाएंगे, यहीं तक हिंदी का क्या है विस्तार है। ठीक है, यानी अब इसको आपको सही से समझना हो तो ये नॉर्थ वेस्ट आप समझते ही हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसमें आपका जो पॉइंट बनेगा वह बनेगा उत्तराखंड। ठीक है, ये हिंदी बेल्ट है आपका। उत्तराखंड का कौन सा जिला? आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ जो धाम है, ठीक है, बद्रीनाथ और आपका केदारनाथ, यहां तक हिंदी आपको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर साउथ में देखें तो साउथ में आपको मध्य प्रदेश पर रुकना होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? खंडवा जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस खंडवा जिला पर आपको रुकना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये मध्य प्रदेश का जो आपका खंडवा जिला है यहां तक आपको मिलेगा कि इधर साउथ में। वही ईस्ट में अगर इस बात को देखें तो ईस्ट में जो है आप कहां तक जाओगे? ईस्ट में आप जाओगे बिहार तक, और बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्णिया। ठीक है, यहां तक आपको हिंदी भाषी क्षेत्र मिलेगा। और जो वेस्ट है, वेस्ट में आपको पश्चिम में हरियाणा जो आपका राज्य है, हरियाणा राज्य का अंबाला जिला, ठीक है, ये हिंदी भाषी क्या कहलाता है? ये हिंदी पट्टी कहलाता है। इस बात को, मैप को आप दिमाग में बना लीजिए। अगर आपसे कभी पूछता है कि हिंदी पट्टी आपका क्या है या हिंदी बेल्ट आपका क्या कहलाता है, तो वहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ये चीजें आएंगी। इसको आप दिमाग में बहुत अच्छे से बना लीजिए, इसको हिंदी पट्टी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी पट्टी कहा जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, समझ गए कि हिंदी का जो है हिंदी का विस्तार कहां तक है? तो इतने क्षेत्र में है, इसको राजभाषा कैसे बनाओगे बताइए? हिंदी का विस्तार इतना ही आता है तो इसको राजभाषा आप कैसे बनाओगे? ऐसा तो संभव है नहीं। अब इन्हीं सारी चीजों पर आगे जो है बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुए और अंत में जो परिणाम रहा वो सारे लोग जानते हैं। अगली चीज इसको समझते हैं। ठीक, हिंदी जो भाषी क्षेत्र है या हिंदी क्षेत्र के नाम से इन पूरे रीजन को जानते हैं हम लोग, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य हैं। इन राज्यों को ध्यान रखना, पहला तो अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जानते हो हिंदी बोली जाती, दिल्ली। ये 9 राज्य आपके आते हैं जो हिंदी भाषी या हिंदी पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषाएं या बोलियां, अगली आपकी जो टॉपिक होगी, हेडिंग होगी, वह होगी हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। उतना ही बता रहा हूं जहां से सवाल आ रहा है, बहुत बाहर की चीजें नहीं बता रहा हूं आप सभी को। अब डिस्कस करते हैं छोटे छोटे टर्म पर। बोली क्या है? बोली मैंने बताया कि एक छोटी सी एरिया है। ठीक, एक छोटा सा आपका एरिया हो, वहां पर जो आपकी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, बोली जाने वाली जो भाषा होगी वह बोली कहलाती है। छोटा सा एरिया हमारा मोहल्ला है, ठीक है, हमारा गांव है, उस गांव में हमारे अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है वो क्या हो गई? बोली हो गई हमारी। ठीक, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटे लैंग्वेज की भाषा है ना, तो इसमें कभी भी साहित्य रचना नहीं होती है। अब दूसरी बात आती है, उपभाषा किसे कहेंगे? ये बोली से बड़ी हो जाती है। जब कोई ऐसी बोली है जिसमें कोई रचना होने लगे, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो वह उपभाषा बन जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्षेत्र का उसका विस्तार हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जैसे उसमें रचना होगी तो उस किताब को पढ़ने वाले बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, और किताब को पढ़ने वाले ज्यादा लोग होंगे तो उसका विस्तार हो गया, यही चीजें तो आएंगी। तीसरी चीज, भाषा क्या होती है? उपभाषा से बड़ी इकाई है। जब साहित्यकार उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर दे, जिसमें किसी ने रचना की, अब साहित्यकार उस जो है भाषा को क्या करें, उस जो है उपभाषा को, सारे साहित्यकार अपने जो है उसमें उपभाषा का उसका प्रयोग करने लगे, उसको सर्वमान्य रूप दे दें, वहीं से वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है और उसका क्षेत्र और भी व्यापक कहलाने लगता है। तो यह भाषा की परिभाषा, बोली, उपभाषा और भाषा, ये बढ़ते हुए क्रम है तीनों। आगे बढ़ते हैं,
एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां होंगी, ठीक। दूसरी चीज, एक अंग्रेज आपका अधिकारी था जिनका नाम इससे पहले भी मैंने लिया है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने 1889 में एक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किताब लिखी। इसमें हिंदू जो है हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने पूरा का पूरा एक विभाजन किया था कि हिंदुस्तान में उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रेयर्सन के द्वारा 1989 में। फिर गियर्सन ने क्या किया, 1894 से भारत का भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया, ठीक है, और 1927 तक यह पूरा का पूरा चलता रहा। 1894 से इन्होंने शुरू किया और 1927 तक, अब चूंकि भारत इतना छोटा तो मुल्क है नहीं, ठीक। अब क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने भाषाई सर्वेक्षण कर लिया तब एक किताब लिखा उस पर, ठीक, और उसका नाम दिया अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यह किताब पूछता है कि अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी किताब है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी हुई किताब है, ठीक है। इन्होंने 5 उपभाषाओं में बांटकर हिंदी को उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। इस भाषा में एक अंग्रेज अधिकारी ने भारत में हिंदी की उपभाषा और बोली का बहुत गहनता से सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने एक किताब को प्रस्तुत किया, ठीक। तो सबसे बड़ा अपने यहां का कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई विद्वान इसमें नहीं लगा। इसमें कौन आया, सबसे पहले एक अंग्रेज आया, उसके बाद अपने यहां के भी साहित्यकार उतरे इसमें, जानने वाले थे। ये जो 5 उपभाषाएं बांटी गई हैं इसमें बहुत सारे लोगों का मतभेद भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 1926 की बात है। 1926 में सुनीत कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, ठीक, ये हिंदी में और साथ ही साथ बांग्ला भाषा का उद्भव इन्होंने लिखा और विकास से संबंधित एक किताब लिखी और हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। और चटर्जी ने क्या किया, मैंने आपको भाषाओं में बताया था कि खस पहाड़ी भाषा है और ब्राचड़ जो है, तो इनमें इन्होंने क्या किया कि पहाड़ी जो भाषाएं हैं इनको छोड़ दिया। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा कि पहाड़ी भाषाएं भाषाओं के अंतर्गत नहीं होंगी, इनको छोड़कर इन्होंने क्या किया जो है हिंदी का सर्वेक्षण दिया। अगली चीज, धीरेन्द्र वर्मा का नाम इसमें आता है, इन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा है, 1933 की बात है। इन्होंने सुनीत कुमार चटर्जी ने जो चीजें बताई थी उसमें क्या किया, वही चीजें इन्होंने हूबहू रखा, बस कुछ संशोधन कर दिया इन्होंने। कैसे, इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर लिया, उन्होंने नहीं शामिल किया, इन्होंने शामिल कर लिया, ठीक, इतना ही आया। अगली चीज, बहुत सारे विद्वान आपको मिलेंगे लेकिन पूरी की पूरी चीजें इस बात पर पहुंची कि हिंदी में 5 उपभाषाएं और 17 क्या है बोलियां हैं, इन पर मत अंत में जाकर के बन गया, ठीक, उनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया है। अब देखिए हिंदी क्षेत्र की जो समस्त बोली है इसको 5 वर्गों में बांटा गया और इन्हीं को उपभाषा कहते हैं। हम लोगों की उपभाषा क्या है, ठीक, अन्य उपभाषाएं क्या होती हैं, इन्हीं को हमें सीखना है और इन्हीं को हमें जानना है। अब उपभाषा जो है आपकी, इनके अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। उपभाषा के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं, उन बोलियों को हमें जानना है और इनके उपभाषाओं को सीखना है कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी आपकी बोली आएगी। तो अब इधर आप चाहें तो एक कॉलम बना सकते हैं जहां पर उपभाषा लिख लें, इधर आप लिख सकते हैं बोलियां और इधर उनके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं इनको, क्योंकि यहां से भैया सवाल डन है, यहां से सवाल आना डन है, हमेशा पूछा गया, हमेशा पूछेगा, आपके सिलेबस में भी लिखा है बाकायदा। तो सबसे पहले उपभाषा आपकी है राजस्थानी, ठीक है, 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, तो उन 5 के अंतर्गत हम बोलियों को देखेंगे, 17 बोलियां मानी जाती हैं, वो बोलियां किन क्षेत्रों में है उनको देखेंगे। तो इन्हीं चीजों को समझना, ये ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, एक बार समझ लिए आपके दिमाग में बन जो है बन गया तो आप कभी भूलोगे नहीं। पहली उपभाषा हिंदी की क्या आती है, पहली उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं, राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और चारों जो इसका प्रांत बनेगा हर जगह पर अलग अलग भाषा मिलेगी, ठीक। देखो पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो वहां मारवाड़ी मिलेगी, जो मारवाड़ वाला पूरा प्रदेश पड़ता है, वहां जो बोली है उसको मारवाड़ी बोलते हैं।
पश्चिमी से जब आप बढ़ोगे पूर्वी राजस्थान की ओर तो यहां पर आपको जयपुर में जयपुरी या डुढ़ाड़ी, हमेशा सवाल डुढ़ाड़ी को पूछता है, जयपुरी नहीं, डुढ़ाड़ी पूछता है। डुढ़ाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी, या पूछ लेता किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो डुढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की भाषा है। उसके बाद उत्तर राजस्थान की ओर जाओगे, ऊपर की ओर, जो मेवाड़ वाला इलाका है, यहां मेवाती बोली जाती है। और दक्षिण राजस्थान में मालवा वाला जो पूरा हिस्सा पड़ता है, इसमें मालवी बोली जाती है। तो ये राजस्थान में चार बोलियां आपको मिलेंगी, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम में, ठीक। अब इसका जो क्षेत्र है, ये केवल क्षेत्र आपका किसके कहां पर मिलेगा, राजस्थान में ही ये चारों बोलियां आपको मिलेंगी। आपको अन्य किसी प्रदेश में इन बोलियों का कोई स्तर नहीं मिलेगा, अगर वो अबंदा राजस्थान का नहीं है तो। अब दूसरी उपभाषा देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो कई किस्म की हैं। इसमें पांच किस्म जो है तरह की बोलियां आती हैं। पहली होती है पश्चिमी हिंदी कौरवी या खड़ी बोली। अब पश्चिमी का मतलब ये अपना पूरा जो इलाका इधर वाला पड़ता नहीं है, ठीक, ये जो पूरा इलाका हो गया, ठीक, ये पूरा, इसको आप पश्चिम मान सकते हो, बेस्ट मान सकते हो, इस साइड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गुजरात का भी पूरा एरिया है, अब यहां राजस्थान तक उत्तर हो गया, ठीक। अब इसमें जो है राजस्थान वाला इलाका देखा जाए तो ये जब आपका उत्तर पड़ने लगता है, ठीक, तो यहीं पर एकदम एक्चुअल डायरेक्शन लेकर ना दौड़ पड़ना कि अच्छा सर जी आपने उत्तर में बताया तो राजस्थान वाला तो इलाका यहां है, ठीक। एक भाषा को लेकर विभाजन है, मैप हर एक मैप अलग अलग होता है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में आप अपने यहां से देख लो, ऐसे पहुंच जाओ मथुरा वाला पूरा, आगरा वाला, ये सब, इसमें सबसे पहली आती है कौरवी या खड़ी बोली। ये कौरवी, ठीक, हरियाणा वाला ये सब इलाका जब देखोगे वहां पर आपको मिलेगा। दूसरी बोली इसके अंतर्गत है भैया बांगरू या हरियाणवी, लगता है ये आपस में मार ही कर रहे, प्यार से बोलेंगे तब भी लगेगा कि ये तो मार कर रहे, अभी मार देगा, ऐसा बोलेंगे। तीसरी इसके अंतर्गत है आपकी ये ब्रज वाली पूरी, मथुरा वगैरह वाला। चौथा आता है बुंदेली, बुंदेलखंड वाला। और पांचवा आता है कन्नौजी, ठीक है। तो पांच बोलियां आपकी किस उपभाषा के अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोलियां हैं। इनका प्रदेश कहां कहां, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही ये दोनों आपको मिलेगा। इसका मुख्य क्षेत्र कहां है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहां पर इन पांच बोलियों का आपको वजूद मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो आपकी उपभाषा है हिंदी की, जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में पूर्विया हम लोग हो गए, ठीक है। इसमें बोली पहली तो मिलती है, ठीक है, अवधी। दूसरी मिल जाती है आपकी बघेली, ठीक है, और तीसरी मिल जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो तीन इसमें बोलियां मिलती हैं, ठीक। और ये इनके प्रदेश कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। इन तीन जगहों पर आपको ये बोलियां मिलेंगी सामान्य रूप से। अगला चौथा जो हिंदी की उपभाषा होती है, ये होती है बिहारी। बिहारी में भैया मुख्य रूप से बोली जो है, एक तो आपको मिल जाएगी भोजपुरी और दूसरी मिल जाएगी मगही। मगही वही मगध वाला एक तरीके से, वो मगधी होती है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, भोजपुरी चूंकि अपने यहां जैसे ये गोरखपुर वाला शुरू होता है तो वहीं से भोजपुरी आपकी मिलना प्रारंभ हो जाती है। और ये बिहार तक जाओगे तब तक आपको भोजपुरी मिलेगी, देवरिया ये सब पूरा एकदम बेल्ट क्या हो जाता है, भोजपुरी वाला इलाका हो जाता। बिहारी भोजपुरी में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक पांचवी उपभाषा हिंदी की है जिसको हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। अब इसी को सुनीत कुमार चटर्जी ने शामिल नहीं किया था और बाकी विद्वानों ने इसको शामिल किया था। तो जो पांचवी उपभाषा है इसके अंतर्गत तीन बोलियां हैं। पहली आती है आपकी मैथिली, ये मिथिला वाली, ठीक। दूसरी आती है कुमाऊनी और तीसरी आती है गढ़वाली। अब ये क्या हो गए, कुमाऊनी गढ़वाली ये पहाड़ी भाषाएं हो गई, मिथिलांचल भी पहाड़ी तो है, ठीक है, मिथिला। अब ये पहाड़ी ये तीनों की तीनों बोलियां हैं। अब इसमें कौन कौन सा, एक तो ये उत्तराखंड का इलाका और दूसरा हिमाचल प्रदेश का, ये इलाके इसमें क्या पड़ते हैं, ये दोनों इलाकों के अंतर्गत ये बोलियां आपकी हैं। तो अब आज आप जान गए होंगे कि हिंदी की पांच उपभाषाएं क्या हैं और उन पांच उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां कौन कौन सी हैं और ये बोलियां किन किन प्रदेशों में बोली जाती हैं। 9 ही भैया ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती, उन्हीं 9 में ये सारी चीजें चलती हैं। दूसरी चीज, एक बात को ध्यान रखिएगा कि एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की दो मुख्य उपभाषाएं, ठीक, एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी हिंदी, ठीक है। अब समझते हैं बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है, भाषा। अभी तक हमने समझा बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है। अब विभाषा देखिए,
इसमें अगर बात किया जाए कि विभिन्न बोलियां जो होती हैं इनके राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर वो अपना क्षेत्र बढ़ाती हैं। ठीक, अब कोई राजनीति में आ सकता है, जाहिर सी बात है। संस्कृत के तौर पर अब हम लोगों को मिथिला का, जैसे आप मान लीजिए, ठीक, एक मैथिली लड़की है, उसके गाने वगैरह आप सुनिए, तो वो बोली ही तो हम सुन रहे हैं। ठीक है, भोजपुरी बहुत लोगों को मैंने देखा है। ठीक, ऑटो वाले तो खासकर इसके बड़े प्रेमी होते हैं। भाषा कहीं और की है लेकिन बढ़ रही ना। ठीक, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं, गुजरात का डांडिया है, ठीक है, बिहार का छठ पूजा हो गया, पूरे भारत में एकदम फैला, भारत क्या विदेशों में फैला। अब संस्कृत की वजह से ये सारी चीजें जा रही, हालांकि वो सब पर्व हो गए, त्योहार हो गए, लेकिन बोलियां तो धीरे धीरे जा रही हैं। ठीक, कल्चर जैसे हम सीख रहे हैं तो वो उस कल्चर में ऐसा नहीं है कि हम उनकी बोली ना सीखें, धीरे धीरे हर एक चीजें जान जाते हैं। ठीक है, तो ये बोली का जो अपना क्षेत्र है ये राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ाती है। अगर वही बात करें साहित्य रचना की, कि कोई किताब मैंने लिख दी अगर अवधि में, वो किताब जहां जहां लोग पढ़ेंगे उन्हें टर्म समझ में आता रहेगा, तो वो हमेशा अगर किताब अच्छी लग गई तो वो अगली किताब का इंतजार करेंगे, वहां पर वो चीजें फैलने लगी। साहित्य रचना के आधार पर वह अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब साहित्य रचना होने लगेगी तो उनका स्थान बोली से बढ़ जाएगा, वो विभाषा तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अगली चीज समझिए, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है। जैसे हिंदी की विभाषाएं कौन सी हैं, एक तो अपना वही, ठीक, ब्रजभाषा, दूसरी अवधि, तीसरी आपकी खड़ी बोली, और चौथी भोजपुरी, और पांचवी कौन है, मैथिली। ये हिंदी की पांच कौन है विभाषाएं हैं, इन बात को याद रखिएगा, विभाषा है। ठीक, क्योंकि इन सभी में रचना होती है, ब्रज में भी रचना होती है, ठीक है, राधा रानी वृंदावन, अवधि में भी रचना होती है, खड़ी बोली में तो होती ही होती है, भोजपुरी में भी रचनाएं होती है, और मैथिली में भी रचनाएं चलती है। तो ये विभाषाएं कहलाती है। आपसे पूछ ले निम्न में से कौन विभाषा है, तो वहां पर आप ऑप्शन के अनुसार चूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव का कारण बनती है। ठीक है, वहां पर जब यह कारण बन जाएगी सांस्कृतिक राजनीतिक, तो उससे क्या होगा, उससे यह चीजें आती है कि यह भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। विभाषा बहुत प्रचलित हो गई, मान लीजिए अवधि में कोई गीत आया, अब आपने सुना, बड़ा फेमस लगा आपको, आप कोई किताबों की संग्रह है, कोई कहानी आ गई, अब जिस कोई अगर भाषा में किसी को मतलब रचना कर रहा है और उससे ज्यादा वो पॉपुलर हो गई, प्रसिद्धि पा गई, तो वहां पर उसका स्थान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उस राइटर की अगली किताब का कोई वेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो वहां पर वो क्या करती है, भाषा से ज्यादा प्रचलित होने लगती है। अगली चीज, खड़ी बोली मेरठ, ठीक, लठमार जिसको बोलते हैं, बिजनौर आदि की विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर यह अधिष्ठित हुई है। ठीक है, मेरठ की खड़ी बोली सुनिए, आपको लगेगा कि अभी तो कर्णपल्लो हमारे गए, इस तरीके से बातचीत होती है, इतनी कर्कश टाइप की आवाज होती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर दो चीजें निकल के आई, क्या निकल के आई, कि बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है। मतलब जैसे उपभाषा में गए थे और उपभाषा से विभाषा मतलब भाषा में आए थे, वैसे यहां पर भी है। अगर बोली है तो बोली में कोई आपकी जब रचना हुई तो वो विभाषा की ओर बढ़ेगी और विभाषा धीरे धीरे भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, यानी बोली विभाषा भाषा, उदाहरण क्या है, जैसे भाषा मान लीजिए खड़ी बोली हिंदी है, विभाषा, ये विभाषा के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया पांच इसके आते हैं, ब्रज, अवधि, खड़ी, भोजपुरी और मैथिली। ठीक, अब बोली हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों के अंतर्गत हो जाती है। ठीक, तो इन चीजों को आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारी बोलियां हैं और उनका जो है संक्षिप्त परिचय है, तो यहां से उतना नहीं है कि आपको उदाहरण के तौर पर हर एक चीजें बताई जाए। ठीक, बाकी इन चीजों में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कौन सी लिपि कहां पर होती है, थोड़ी सी चीजें आपको जानना है देवरी जो है देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास अगर देखें, ठीक, तो भाषा सबसे पहले हम परिभाषा सीखे ही कि भाषा क्या है, जिसमें हम अपने ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार को अभिव्यक्त कर ले जाए, अपने विचारों का आदान प्रदान हम जिससे कर ले जाए, जिस माध्यम से, वो भाषा है। ठीक, भाषा कई प्रकार की होती है, कहा किसी ने चलना है तो आपने बोला हाँ,
किसी ने कहा वहां चलोगे, तो आपने कहा, मतलब सर हिला दिया। तो भाषा लिखित होती है, मौखिक होती है, और आपकी ये क्या होती है, एक आपकी शारीरिक होती है। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होता है, लिखित अगर वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति होती है तो वाल्मीकि होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आप अपने विचार लिख रहे हो और उस विचार को जब आप जो है वर्ण या संकेतों की सहायता से आपने व्यक्त किया तो वह लिपि कहलाएगी, वह भाषा नहीं होगी। भाषा क्या श्रव्य होती है, सुनने वाली होती है। भाषा श्रव्य होती है जो आप सुने, और लिपि दृश्य होती है, यही दोनों में अंतर है। तो भाषा और लिपि में अंतर होता है कि नहीं, होता है। भाषा श्रव्य जो सुनने पर आपके कानों में जो कर्ण पल्लवों में जाए वह भाषा है, ठीक है। और जो दृश्य आपका मतलब आप देखें कहीं पर लिखा है, दृष्टि पटल पर आपके पड़ा, वह लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। ये सवाल आया हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया, वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन, ठीक है। बौद्धकालीन जो है सबसे प्राचीनतम नमूना साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध है। गुप्त काल के आरंभ होने में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, एक उत्तरी ब्राह्मी बन गई, दूसरी दक्षिणी ब्राह्मी। और दक्षिणी ब्राह्मी से कौन, तमिल लिपि या कलिंग लिपि या तेलुगु कन्नड़ लिपि या ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु में आपकी प्रचलित है, मलयालम लिपि, ये सारी चीजें किससे हो गई, ये सबकी सब आपकी दक्षिणी ब्राह्मी से जो है विकसित हुई। नीचे की ओर जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन रहा, ठीक, वो दक्षिणी ब्राह्मी से जो है विकसित होती चली गई लिपियां। दूसरी चीज, उत्तर ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ, जो हम लोग प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, देवनागरी या नागरी, ठीक। ध्यान दीजिए, उत्तर ब्राह्मी यानी 350 ईस्वी तक अगर बात करें, गुप्त लिपि ये 4वीं से 5वीं सदी थी। यहां पर जो चीजें आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे विकास हुआ, यहां से यहां बढ़ी, यहां से आपकी सिद्ध मातृका लिपि आई, कुटिल लिपि आई, नागरी और शारदा आई, ठीक है। शारदा के अंतर्गत एक तो गुरमुखी लिपि आती है, दूसरी कौन सी है, कश्मीरी है, लहंदा है और टाकरी है। ये पूछता है कि ये लिपि किसके अंतर्गत है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। गुरमुखी आप जानते हैं ये सिख धर्मों में उपयोग होती है, कश्मीरी तो आप समझते ही है, ठीक। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं से 9वीं सदी से आरंभ होता है। कब से, 8वीं से 9वीं सदी से आरंभ हुआ और 10वीं से 12वीं सदी के बीच में इस प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं बनती, एक पूरब वाली एक पश्चिम वाली, ठीक, पूरब और पश्चिम की। पूरब जब आप पश्चिम में जाओगे तो यहां से देवनागरी जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और पांचवी बनती है कैथी। ये पांच आपकी इसकी लिपियां देवनागरी से विकसित, मतलब पश्चिमी शाखा से विकसित है नागरी के। और पूर्वी शाखा से बांग्ला लिपि, असमी और उड़िया आती है। तीन ये आपकी पश्चिमी शाखा से आती है, वो पूर्वी से आती है और बाकी आपकी किससे आती है, पश्चिमी शाखा से आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखते हैं, इसका भी उतना प्रयोग नहीं है, नामकरण देख लीजिए देवनागरी लिपि का। भैया देवनागरी लिपि को लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहते हैं, लोकनागरी बोलते हैं और हिंदी लिपि। अब देवनागरी का नामकरण कहीं सवाल पूछा नहीं है और ना पूछेगा, क्योंकि इस पर विवाद है, ठीक है। ये उसमें टेट वगैरह में इन सारी परीक्षाओं में पूछता है। अगर इसका जन्म माने कि देवनागरी नाम किसने दिया था, तो नागरी शाखाओं में डिवाइड हुई, शाखाओं से उत्पन्न हुई। ज्यादातर विद्वान इसको गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं कि नागर ब्राह्मण इसका प्रयोग करते थे तो यह नागरी हो गया, ठीक है। अगली चीज, अस्तित्व में तुरंत आने के बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में द्वयु जुड़ गया और देवनागरी हो गया। लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर विवाद है। इसकी अगर देखा जाए, देखो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या, हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, बाएं से प्रारंभ करते हैं और दाएं ओर लिखते जाते हैं, ये बाएं से दाई ओर लिखी जाती है। जबकि आप फारसी लिपि देखोगे जिसमें उर्दू अरबी फारसी भाषा है, ये सभी के सभी इधर से उर्दू लिखना प्रारंभ करते हैं तो इधर से लिखते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग इधर से लिखते हैं, तो ये उल्टी लिपि जाती है। अगली चीज, यह अक्षरात्मक लिपि है, सिंबॉलिक स्क्रिप्ट होती है देवनागरी।
ठीक है, जबकि रोमन जो लिपि होती है ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ये वर्णात्मक लिपि है, अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट है। हम लोग किसमें लिखते हैं, हम लोग जो है सिंबलिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं, सिंबल सभी का है। अगली चीज देवनागरी लिपि के गुण है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त की जाती है, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, मूक वर्ण इसमें नहीं है, जो बोला जाता वही लिखा जाता, जबकि और सारी चीजों में ऐसा नहीं है, जो बोलोगे वही लिखोगे, बोलोगे कुछ और लिखोगे कुछ और, ठीक। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होगा कभी भी आपको, उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है, जो कुछ बोलोगे वो क्या होगी, एकदम स्पष्ट होगी। आपने बोला सा तो सारे लोग सा यही समझेंगे, ठीक है, अब आप बोलोगे शा तो सारे लोग इस सौ का समझेंगे, ठीक। वो चीजें हैं, इसके दोष भी बहुत सारे हैं, तो दोष से कभी सवाल नहीं पूछता है, सुधार वगैरह हो गए। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मानकीकरण को लेकर के हिंदी को। देखो मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, ये बात आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हिंदी लिखी हुई है, ये हिंदी, ये वर्तनी क्या है, शुद्ध नहीं है। हिंदी वो शुद्ध मानक है जिस पर बिंदी लगी हो, ये सवाल सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हिंदी की भाषा का मानकीकरण जब देखा जाए, मानक का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि एक आदर्श अपना तय करते, एक श्रेष्ठ अवस्था बना लेते, ठीक, एक हम वह स्तर बना देते हैं अपनी तरफ से, जहां पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पहुंचा तो वो क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड है। कहते नहीं बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किए हो यार, बोलते नहीं हम, अब बढ़िया पता चलता है कि एकदम टाइट है सूट बूट से, तो वो चीजें वो भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक। ऐसे ही हर एक चीजों में साइंस का अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया मैंने एक नया पदार्थ खोज लिया, उस पदार्थ के सारे जो मानक बना रखे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर आपको प्रूव करना पड़ता है। वही चीज हिंदी को लेकर के है, हिंदी में यानी भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते, जिस भाषा रूप का व्यवहार, प्रत्याचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज, इन सभी में प्रयोग होता है। अब पता चले शब्द लिखा जाता है कि सेवा में महोदय, आप कुछ और ही शब्द उसकी जगह पर लिख दे तो वो थोड़ी मान लिया जाएगा कि आप मानक भाषा प्रयोग कर रहे हो। इसीलिए जो मानक भाषाएं हैं, पत्राचार वगैरह में देखिए, अगर गवर्नमेंट से पत्राचार आप कर रहे हैं और उसमें आप सही तरीके से सारी चीजों को नहीं फॉलो करते, आपका पत्र रिजेक्ट हो जाएगा, वहां से वापस आ जाता है कि फिर से इसको प्रसिद्ध रूप से भेजिए आप। तो ये चीजें होती है, जरूरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानक भाषा के तीन सोपान है, तीन सोपान का मतलब तीन इसके अलग अलग खंड हैं। सबसे पहले चीजें कहां से शुरू होता है, मानक कहां से मानना प्रारंभ, मैंने बताया कि बोली होगी, भाषा होगी, मानक भाषा होगी। पहले एक बोली होगी, बोली में रचना होगी, उसका क्षेत्र बढ़ेगा, भाषा में जाएगी, भाषा और ज्यादा परिनिष्ठित होगी, शुद्ध होगी, जो लोग हैं आलोचक हैं वो उसमें और तमाम शुद्धता जो है उसको परिनिष्ठित करेंगे, तो वो मानक भाषा में पहुंच जाएगी, एक स्टैंडर्ड को प्राप्त कर लेगी। तो यही चीजें इसमें ऐसे रूप चलता है कि सबसे पहले जाहिर सी बात है बोली होगी तो उसमें बहुत त्रुटियां होंगी, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, उसमें सुधार होकर भाषा में आ जाएगी, भाषा में और सुधार होगा तो वो मानक भाषा में पहुंचेगी। ये इसका क्या होता है, ये इसका आपका एक एक कालखंड मान सकते हो, कालखंड होगा ही भाई, बोली में रचना हुई तो ऐसा तो है नहीं कि एक किताब आई वहीं हिट हो गई सुपरहिट, वो धीरे धीरे आपकी हिट होना प्रारंभ होती है, इसी चीज को यहां पर दिया गया है। आगे बाकी जितनी भी चीज थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, हिंदी साहित्य से संबंधित जितना कुछ पूछता है वो सारी चीजें आपकी समाप्त हो चुकी हैं, जो कुछ वो जानता है। उम्मीद है आपको साहित्य के जितने भी सवाल हैं, तीनों लेक्चर अगर आप देखते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी जानकारियां मैंने नोट्स में दे रखी हैं, ठीक, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से कर सकते। तो फिर मिलेंगे, इसके बाद सारी PDF कंबाइन होकर मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास की घोषणा मैं जल्द ही करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।